रानी पद्मावती के जौहर के बाद अलाउद्दीन खिलजी गुस्से में पागल सा हो गया और चित्तौड़गढ़ में मारकाट और लूटपाट कर किले का अष्ट धातु का बना हुआ दरवाजा उखाड़ कर दिल्ली ले गया, जिसके कुछ समय बाद भरतपुर के प्रतापी महाराजा जवाहर सिंह ने अपने पिता महाराजा सूरजमल की मौत का बदला लेने के लिए दिल्ली के शासक नजीबुद्दौला पर हमला किया। दिल्ली को फतह करने के बाद जब उन्हें पता चला कि अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ किले का गेट उखाड़ कर लाया था, तो महाराजा जवाहर सिंह दिल्ली से चित्तौड़गढ़ किले के ऐतिहासिक दरवाजे को उखाड़ कर भरतपुर ले आए।